गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज आयांश मदर। एंड लास्ट वीडियो में, आर्टिकल्स के पार्ट वन वीडियो में, हमने ए और एन का यूसेज हिंदी के स्वर और व्यंजन के फॉर्म में हमने देखा था। अगर उसमें आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आप वॉवल्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं। ए आई ई ओ यू, ये पांच वॉवल्स हैं। और किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर वॉवल साउंड कर रहा है, किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवल है और वॉवल साउंड कर रहा है, तो उसके पहले हमें एन यूज़ करना है। और ए ई आई ओ यू को छोड़ के इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, तो हमें उसके पहले ए यूज़ करना है। ओके, द का यूसेज हमने पिछले वीडियो में कुछ लिमिटेड यूसेज ही देखा था, यहाँ हम डिटेल में देख लेते हैं। लाइक द इज़ यूज्ड बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। रोहित कैन प्ले द गिटार। अगर यहाँ गिटार की जगह हारमोनियम हो, तबला हो, तो भी हमें द ही लगाना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले वी विल यूज़ द। बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज लाइक द बीजेपी, द कांग्रेस, द जनता पार्टी। बिफोर एम्पायर, डायनेस्टी, वॉर, रिवॉल्यूशन एंड सेंचुरी लाइक द गुप्ता डायनेस्टी, द ब्रिटिश पीपल, द सिक्स सेंचुरी, द मौर्य डायनेस्टी, द रेड रिवॉल्यूशन, द सिविल वॉर। बिफोर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक द लेजिस्लेचर, द पार्लियामेंट। लाइक दिस द का हम और भी यूसेज देख लेते हैं। बिफोर द आर्म्ड फोर्सेस द आर्मी, द पुलिस, द एयरफोर्स। बिफोर द डेट्स 14th of November, ये एक स्पेसिफिक डेट है, इसके पहले हमें द यूज़ करना है। 5th of September, वी विल यूज़ द बिफोर इट। बिफोर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लाइक क्लोथ्स आर सोल्ड बाय द मीटर, मीटर के पहले हमें द लगाना है। बनानास आर सोल्ड बाय द डजन, डजन के पहले हमें द लगाना है। बिफोर डायरेक्शंस और कार्डिनल पॉइंट्स लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसके पहले हमें द आर्टिकल लगाना है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट के पहले भी हमें द यूज़ करना है। द हिमालयाज आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया के पहले वी विल यूज़ द। नेक्स्ट, वेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, वी विल यूज़ द बिफोर इट। लाइक सीता फॉल अस्लीप ऑन द येल्लो चेयर, यहाँ येल्लो चेयर, स्पेसिफिक येल्लो चेयर की ही बात हो रही है बस, उसके पहले हमें द आर्टिकल यूज़ करना है। द बुक इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, सपोज़ आपने कोई बुक मंगाया था, मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ उस पर्टिकुलर बुक के लिए आपको द यूज़ करना है। द बुक विच यू मैंशनड, द बुक इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। नेक्स्ट, बिफोर कम्युनिटीज़ और कास्ट लाइक द राजपूत्स, राजपूत्स के पहले हमें द यूज़ करना। राजपूत्स एक यहाँ कम्युनिटी की बात हो रही है। द राजपूत्स आर ब्रेव पीपल, द मराठास आर हार्ड वर्किंग, मराठा के पहले वी विल यूज़ द। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ए एन और द के बेसिस में। नंबर वन, लिवर इज डैश लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, दिस लार्जेस्ट वर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री लाइक लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट के पहले हमें द यूज़ करना है। डैश प्रेसिडेंट इज ऑन अ विजिट, द प्रेसिडेंट इज ऑन अ विजिट। प्रेसिडेंट एक पर्टिकुलर पर्सन के पहले हमें द लगाना है। ही इज डैश अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। गुड बॉय, गुड का जो ये जो जी है, फर्स्ट लेटर है, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, हमें इसके पहले अ यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी, इट इज़ डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। इंटरेस्टिंग का ये जो आई है, ये वॉवल है, प्लस वॉवल साउंड कर रहा है, सो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नेक्स्ट, आई ब्रश माई टीथ टू टाइम्स डैश डे, अ ब्रश माई टीथ टू टाइम्स अ डे। डे में ये जो डी है, ये कॉन्सोनेंट है, प्लस कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसके पहले हमें अ लगाना है। आई नीड अ पेन, आई नीड अ बुक, I need a toy car, I need a bicycle। ये सब सारे पेन में जो P है, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसके पहले हमें अ लगाना है। प्लीज़ गेट मी अ स्कूटर, मुझे एक स्कूटर दिला दो। स्कूटर तो एक ही चाहिए ना, मुझे एक स्कूटर दिला दो। स्कूटर में ये जो S है, ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसके पहले हमें अ यूज़ करना है। द रिवर इज़ फुल ऑफ वाटर, रिवर के पहले द लगेगा। डैश बर्ड्स, डैश बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स एस लगा है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, तो फिर यहाँ ए और एन की बात होगी नहीं, यहाँ सीधे हम द लगा देंगे। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। आई हैव डैश अम्ब्रेला इन माई बैग, अम्ब्रेला का ये जो यू है, ये वॉवल है, प्लस वॉवल साउंड भी कर रहा है, अम्ब्रेला, अ अम्ब्रेला। आई हैव एन अम्ब्रेला इन माई बैग।
डैश बाइबल इज डैश हॉली बुक, बाइबल बाइबल, ये एक स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है, तो हम यहाँ द यूज करेंगे. द बाइबल इज अ हॉली बुक. ही केम हियर डैश मंथ अगो. ए एन और द में से यहाँ क्या यूज होगा? ही केम हियर एन मंथ अगो, नो. द मंथ अगो, नो. ही केम हियर अ मंथ अगो. आई मेट डैश ओल्ड वुमन. ओल्ड वुमन, ओल्ड, ओल्ड में ये जो ओ है हमारा वावल है, वावल साउंड कर रहा है. आई मेट एन ओल्ड वुमन इन द स्ट्रीट. इन द स्ट्रीट. इंडिया वॉन डैश वर्ल्ड कप लास्ट ईयर. इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप या ट्रॉफीज की बात हो तो हम वहाँ द लगाएंगे. तो ये रहा ए एन और द का यूज, द का ए एन और द का यूसेज, आर्टिकल का यूसेज. अब हम बात करते हैं छोटे बच्चों के लिए. छोटे बच्चों के लिए लाइक यूकेजी में ही ए और एन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है. यूकेजी में, एलकेजी में बच्चे वॉवल सीखते हैं और यूकेजी में सिर्फ ए और एन का कंसेप्ट क्लियर कराया जाता है. और क्लास वन से 1 2 3 4 ए एन द तीनों चीज़ें बताई जाती है. ठीक है, तो यूकेजी के बच्चे को हम कैसे बताएं ए और एन? यूकेजी के बच्चे पूरा सेंटेंस भी रीडिंग नहीं कर पाते हैं. यूकेजी के बच्चे क्वेश्चन भी रीडिंग नहीं कर पाते हैं. इवन लाइक मैन यूकेजी के बच्चे हैं, क्लास वन के बच्चे, तो उनके लिए जितना क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में दिया जाए ना उतना अच्छा रहता है उनके लिए, क्योंकि वो रीडिंग नहीं कर पाते हैं उतनी अच्छे तरीके से. लाइक मैंने यह लिखा है क्वेश्चन यूज ए और एन. सपोज यूकेजी के बच्चों का ये वर्कशीट है तो क्वेश्चन जितना शॉर्ट और स्वीट रहे उतना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने लिखा है यूज ए और एन. मैंने यहाँ पिक्चर भी बना दिया है. डैश कार, डैश कार, उन्हें ए और एन में से यहाँ फिलअप करना है. तो सी वॉवल नहीं है, ये कॉन्सनेंट है, तो यहाँ होगा ए. डैश बुक, बुक बनाया है मैंने यहाँ. बुक का जो फर्स्ट लेटर है बी है, उन्हें बताना है कि आपको फर्स्ट लेटर देखना है. हर एक वर्ड का आपको फर्स्ट लेटर देखना है. बुक कॉन्सनेंट है, यहाँ अ यूज़ होगा, अ बुक. एग, एग का जो फर्स्ट लेटर है वो एक वॉवल है, सो वॉवल से पहले ये एक वॉवल है प्लस वॉवल साउंड कर रहा है, सो वी विल यूज एन. तो इस तरह के वर्कशीट्स भी आप बच्चों को करा सकते हैं. बच्चों को ये सब चीज़ सिखाने का सबसे आसान तरीका है उनके साथ डेली कन्वर्सेशन, डेली रूटीन में आप जो बातें कर रहे हैं वो ही उनके दिमाग में जल्दी बैठता है. लाइक यूकेजी का बच्चा है, आप उसे राइटिंग करा करा के, रीडिंग करा करा के कितना समझाएंगे? उससे अच्छा है कि आप उसे डेली बातचीत करते हुए ये सब चीज़ें बताएं. सपोज यू आर गोइंग आउटसाइड, ओके, सो यू कैन टॉक लाइक दैट विथ योर चाइल्ड दैट वी आर गोइंग आउटसाइड, लेट अस टेक एन अम्ब्रेला. आई हैव एन अम्ब्रेला इन माई बैग. यू हैव टू स्पीक अलाउड, ओके, विथ चिल्ड्रेन यू हैव टू स्पीक अलाउड एंड मेक देम स्पीक अलाउड. उन्हें जोर से ही बोलवाना है. आई हैव एन अम्ब्रेला इन माई बैग, इफ इट विल रेन वी विल यूज इट. Like that you can talk with them. I have an apple. I have an apple. या फिर उन्हें चीज़ें दिखाइए, ऑब्जेक्ट्स उन्हें दिखाइए. What is this? This is an apple. What is this? This is an umbrella. बच्चों को बोलना है जोर से. They have to speak aloud. जितना जोर से वो बोलेंगे उतना क्लियरली उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ जाएंगी. सो इस तरीके से बच्चों को हम ए एंड द बहुत इजीली बता सकते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में ये सब चीज़ें यूज़ करते हुए. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.